बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ इफ़त खालिक, इफ़त डिलीशियस फूड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी। जो अज़ा इसमें शामिल है, नमक हसब ज़रूरत, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, पिसा धनिया 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच यानी कि टेबल स्पून, और बेसन हसब ज़रूरत जितना हमें चाहिए, लीमू का रस जो है 1 चम्मच है, अजवाइन अगर आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप इसको नहीं डालें। भिंडी है 1/2 किलो, हम भिंडी के जो दोनों साइड्स हम काट देंगे। हम दोनों पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा इसको काट देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने इसके 4 पीस कर लिए हैं। हमने बड़ी भिंडी ली थी, इसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। इसी तरह से आप ये देखिएगा, इस तरह से हम सारी भिंडियों को कर लेंगे। हमने ये जो सारी भिंडी थी कर लिया, अब इसके अंदर हम मसाले मिलाएंगे, नमक हसब ज़रूरत है, लाल मिर्च पिसी कुटी हुई 1/2 टेबल स्पून है, पिसा हुआ धनिया हमारा 1 टेबल स्पून है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून है हमारा, और अजवाइन जो है 1 चुटकी हम इसको ले लें अगर आप डालना चाहें, ठीक है नहीं, और लीमू हमारा है 1 टेबल स्पून है, लीमू का जूस हमारे पास 1 टेबल स्पून है, बेसन जितना हमें ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से, यानी कि इसके ऊपर पूरे अच्छी तरह से हमारी भिंडी के ऊपर ये कोड हो जाए, यानी कि जो हमारे सारे मसाले जाते हैं ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कोड हो गए हैं। अब इसको हम ऑयल गरम करके उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हमने एक भिंडी डाल के देख रहे हैं कि हमारा ऑयल जो हमें जितना चाहिए हुआ है या नहीं, ये हो गया है रेडी है। इसके साथ ही हम इसके अंदर बाकी और भिंडी डाल देंगे। उसको भिंडी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से, हमने थोड़ी थोड़ी भिंडी करके खोल के डालनी है, इकट्ठा हम एक साथ नहीं डाला, अगर हो भी जाता है ऐसा आप स्पून की मदद से इसको अलग कर लें। अब हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, हल्के हल्के हमारी ये फ्राई हो रही है, और ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ये देखिए मज़ेदार कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई। इस पर चाट मसाला डाल के खाना चाहें आप खा सकते हैं। ये गर्म थी तो इसीलिए मैं दूसरी आपको दिखा रही हूँ, बहुत गर्म हो रही है, गर्म गर्म है। और ये देखिए मैंने ये किस तरह से, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको दाल के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आ रही है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।